अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। चौधरी निसार ने शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। वजीर दाखिला कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी पर कल काबीना में बातचीत होगी, बनू धमाके की तहकीकात फौज करेगी। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफले पर हमले में 20 अहलकार शहीद और 30 जख्मी। बारूदी मवाद गाड़ी के सीएनजी सिलेंडर में नस्त था, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट। वजीर आजम ने स्विट्जरलैंड का दौरा मनसूख कर दिया। कालेजन तहरीके तालिबान ने हुकूमत को मुजाकरात की पेशकश कर दी। तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत संजीदा नहीं, लेकिन अपने अख्तियार और अखलाक का मुजाहरा करे तो बातचीत के लिए तैयार है। इमरान खान का कहना है कि हुकूमत मौका दे तो तालिबान के साथ मुजाकरात के लिए तैयार है। बनू जैसे वाकयात का जिम्मेदार नवाज शरीफ के सिवा किसको ठहराएं? मुफ्ती उस्मान यार खान की शहादत के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने कराची में जुमे को पैया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। शारजा टेस्ट के चौथे रोज श्रीलंका ने दूसरे इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 220 रन की बढ़तरी। और अमरीकी नौजवान को कैलिफोर्निया की बर्फानी चोटियों पर स्कीइंग महंगी पड़ गई, फिसलकर हड्डियां तोड़वा बैठा।